नमस्कार दोस्तों। लीजिए, सचिन वजे ने ये कह दिया है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो इस समय घटनाक्रम हो रहा है उसमें अविश्वास का इतना बड़ा खेल चल रहा है, विश्वास का इतना बड़ा संकट है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और इस मामले की तह तक NIA, ATS ये पहुंचेंगी तो क्या जिन निकल कर बाहर आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सचिन वझे का जो बयान है आज का वो बहुत ही चौंकाने वाला है। सचिन वझे का जो बयान है वो ये भी दिखाने लगा है कि सचिन वझे अब टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, वीक हो रहा है, उसके मन में इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो रही है। और यही वजह है कि वो अब जब खुद को डीपली इसमें फंसता हुआ देख रहा है तो उसके मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि यार, जिन लोगों के लिए मैंने ये किया वो लोग तो इसमें साफ बच जा रहे हैं और फंसाया जा रहा है मुझे। तो यही वजह है कि उसने साफ तौर पर ये कहा है कि मुझे इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आज सचिन वझे को NIA कोर्ट के सामने पेश किया गया था और वहां पर उसे रिमांड पर लेने के लिए NIA ने गुजारिश की थी कि भाई हमें कुछ और दिन के लिए इसे रिमांड पर दिया जाए सचिन वझे को, और वो 3 अप्रैल तक मंजूर कर ली गई है। बहरहाल, जो इसमें कोर्ट में उसे पेश किया गया तो उसमें 15 दिनों की कस्टडी मांगी थी क्योंकि उस पर UAPA जो एक्ट है वो लगाया है NIA ने। और जब उसने अपनी पूछताछ आज हो रही थी और उसके बयान हो रहे थे तो उसने जज के सामने सचिन वझे ने जो बात कही वो मैं आपको एग्जैक्टली सुनाता हूं क्या कही। उसने कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया है, मेरा केस से कोई लेना देना ही है, लेना देना नहीं है। मैं केवल 1.5 दिन के लिए केस की जांच अधिकारी था और जो अपनी क्षमता में कर सकता था वह किया, लेकिन अचानक कहीं कुछ प्लान बदल दिया गया। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, लेकिन अचानक कहीं कुछ प्लान बदल दिया गया। मैं खुद ही NIA ऑफिस गया था और गिरफ्तार कर लिया गया मुझे। उसने कहा कि उसने जुर्म कबूल नहीं किया है, यानी कि जो खबरें अब तक ये चल रही थी कि सचिन वझे ने ये मान लिया है कि इस जो मनसुख हिरेन था उसकी हत्या में और वो जो मामला था स्कॉर्पियो वाला उसमें उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल कर ली है, इसका भी उसने वहां आज खंडन करने की कोशिश की। इसके अलावा NIA की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि अपराध में किसी पुलिस कर्मी की संलिप्तता पाकर हर कोई हैरान था। और जांच के दौरान NIA ने वजह के घर से 62 बुलेट जब्त की हैं, 62 गोलियां, जिंदा गोलियां जब्त की हैं। और इसकी जांच की आवश्यकता है कि वजह ने उन्हें अपने पास क्यों रखा हुआ था। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से वजह को 30 गोलियां जो मिलती हैं सैंक्शनड थी वो जारी किए थे, लेकिन उनमें से केवल 5 ही मिले, बाकी 25 कहाँ गई। ये सब चीजें शक में डालती हैं कि जो वजह है वो भी बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है। सचिन वजह पर इल्जाम है कि उसने मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी प्लांट की थी। और बाद में जब इस मामले में 1-2 गिरफ्तारी, विनायक शिंदे एक अन्य पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई तो उसमें यह भी स्पष्ट हो गया कि विनायक शिंदे ने सचिन वजह के कहने पर मनसुख हिरेन को बुलाया था और बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी 2 और लोगों के साथ मिलकर। सचिन वझे उसमें शामिल नहीं था लेकिन विनायक शिंदे उसमें शामिल था और विनायक शिंदे ने यह बात कबूल कर ली है। तो अब सचिन वझे का यह कहना कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यह सिर्फ एक ही चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि पूरे मामले में ट्विस्ट कैसे आ गया। ट्विस्ट कैसे कि सचिन वझे, जिसे कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि देखिए आपको इसकी जांच करनी है कि एंटीलिया के बाहर ये बम विस्फोटक कैसे मिला जो मुकेश अंबानी घर के पास, इस मामले की जांच सौंपी गई थी। और इस मामले की उसने कहना उसका कहना है कि 1.5 दिन के लिए ही मेरे पास जांच आई थी। तो 1.5 दिन के ही अंदर ये खेल कैसे हो गया कि मनसुख हिरेन ने ये भी कह दिया कि गाड़ी मेरी है, जब उसे पुलिस ने जांच के लिए बुलाया तो वो अचानक गायब हो गया, फिर 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिल गई, अब सचिन वझे गिरफ्तार हुआ, विनायक शिंदे गिरफ्तार हुआ, तो ये स्पष्ट हो गया कि इन दोनों ने मिलकर मिलीभगत की थी और मनसुख हिरेन को बुलाया था और उसकी बाद में हत्या कर दी गई थी। तो प्लान कहां से चेंज हुआ, मैं बताता हूं प्लान कहां से चेंज हुआ।
प्लान चेंज ऐसे हुआ कि एनआईए ने जब सचिन वझे को अरेस्ट कर लिया, शायद मुंबई पुलिस को इस बात का गुमान नहीं होगा या महाराष्ट्र सरकार को इस बात का गुमान नहीं होगा कि जो टॉप लेवल पर लोग इसमें इन्वॉल्व हैं मामले में, वो ये सोच रहे थे कि इस मामले को मुंबई पुलिस ही हैंडल करेगी और एटीएस जो कि मुंबई पुलिस की एक ब्रांच है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, वो भी इस मामले को हैंडल करेगा, तो सचिन वझे पे कोई आंच नहीं आएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही पोल खुल गई। मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई देख के उसके गार्ड्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद ये चीज लीक हो गई, इसके वीडियोज वायरल होने लगे और इस मामले में जब मामला संगीन हुआ तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएट करते हुए एनआईए को इसमें जांच में लगा दिया, क्योंकि देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के घर के बाहर, चाहे उसके घर के 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी थी लेकिन वहां से एक विस्फोटकों से लदी हुई गाड़ी का मिलना, ये बहुत ही संगीन अपराध है। और इस मामले में अगर एनआईए इन्वॉल्व ना होती तो शायद इस पर लिपापोती कर दी जाती, क्योंकि मनसुख हिरेन को ठिकाने लगा दिया गया था, वो क्लेम भी नहीं करता कि भाई मेरी गाड़ी थी, तो उसको भी ठिकाने लगा दिया गया था और जांच में ये भी दिखा दिया जाता कि ये अज्ञात लोग कोई छोड़कर इस गाड़ी को भाग गए हैं। लेकिन एनआईए ने इसकी बारीकी से जांच की, सीसीटीवी फुटेज देखे, सीसीटीवी फुटेज में इन्होंने जो है सचिन वझे को कुर्ते में देखा, जो कुर्ता पजामा लंबा सूट पहन के ये आया हुआ था। इसके अलावा एनआईए ने मौके पर ले जाकर पूरे सीन को रिक्रिएट किया, सचिन वझे को लंबा कुर्ता पहनाया गया और देखा गया कि क्या इसका डिलडोल उस सीसीटीवी फुटेज से मिलता जुलता है और उसमें सब कुछ चीजें अब क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अब इस मामले में ये सारी चीजें बहुत ही स्पष्ट हो रही हैं, पोल खुलती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अब जैसे कि मैं बिल्कुल हमेशा ये कहता रहा हूं कि राज ठाकरे की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि इस मामले में टॉप लेवल के किसी नेता या बड़े अधिकारी का इन्वॉल्व हुए बिना कुछ हो ही नहीं सकता था। और परमवीर सिंह ने तो ये बात साबित भी कर दी। परमवीर सिंह का बयान अपने आप में ही ये पर्याप्त है, उनका ये कहना कि इसमें गृह मंत्री ने सबको 100 करोड़ रुपए कमाने की हर महीने टारगेट दी थी मुंबई पुलिस के अधिकारियों को, ये अपने आप में प्रूव करता है कि टॉप लेवल के साथ मिली भगत के बिना मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी प्लांट नहीं हो सकती थी। और अब गाड़ी प्लांट की गई, उसके बाद एनआईए ने उसमें हस्तक्षेप किया और सचिन वझे को जिस तरीके से पहले ही दिन दबोच लिया, सचिन वझे खुद कह रहा है कि मैं जब एनआईए से मिलने गया था मैं अपनी मर्जी से गया था क्योंकि वो उस केस का जांच अधिकारी बनाया गया था, और जब उससे एनआईए ने क्रॉस क्वेश्चन किए तो उन्हें शक हो गया और उन्होंने उसे तुरंत दबोच लिया। और अब सारी चीजें सामने धीरे धीरे आती जा रही हैं। मुझे लगता है कि 3 अप्रैल तक उसकी रिमांड दी गई है और मुझे लगता है कि होली के 2-3 दिन बाद ही जबरदस्त रंग इस मामले में बिखरने वाले हैं और ऐसे ऐसे लोगों के नाम इसमें आने वाले हैं जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उद्धव ठाकरे की सरकार बचने वाली नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस पर हम कड़ी नजर बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।